नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज अनिकेत आप सभी का अपने YouTube चैनल न्यूज़ विथ यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 11 नवंबर 2018 दिन रविवार है। आज की तमाम खबरों को लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल न्यूज़ विथ यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पे। एमपी चुनाव में कांग्रेस का वादा, सत्ता में आए तो सरकारी परिसरों में आरएसएस की शाखाएं लगाने पर प्रतिबंध लगाएंगे। मोदी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा, चंद्रबाबू से मिले गहलोत, 22 नवंबर को हो सकती है गैर एनडीए दलों की बैठक। ट्रेन में सिगरेट पीने से मना किया तो छठ मनाने जा रही महिला को पीट पीट कर मार डाला। महिला टी20 विश्व कप में आज पाकिस्तान से टीम इंडिया का मुकाबला, जीत की लय बरकरार रखने चाहेगी टीम इंडिया। आज नहाए खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, सोमवार को है खरना। कल रिकॉर्ड 27,000 लोगों ने किया स्टैचू ऑफ यूनिटी का दीदार, टिकट के लिए लगी लंबी कतार। आज भी घटे तेल के दाम, पेट्रोल 77.73 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। योगी आदित्यनाथ बोले, राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस सबसे बड़ी बाधा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान के स्नाइपर की गोलीबारी में भारतीय सैनिक शहीद। मीटू कैंपेन में निहारिका सिंह ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भूषण कुमार, साजिद खान पर लगाए आरोप। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की हेडलाइंस। चलिए दोस्तों आज के हम विस्तृत खबर की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों आज के हम विस्तृत खबर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप आज की तमाम खबरों को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैंने इस वीडियो में क्या गलती की, ताकि मैं उस ऐसी गलती अगले वीडियो से ना कर सकूँ। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें तो पहले आज ही के दिन पहले विश्व युद्ध के 100 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। या दोस्तों 4 साल 13 महीने 2 हफ्ते तक चला यह विश्व युद्ध, जिसमें 30 देश शामिल थे। 6,82,00,000 सैनिक लड़े थे इस युद्ध में। 99,11,000 सैनिक मारे गए थे, इनमें 75,000 भारतीय थे। यह दूसरे विश्व युद्ध तक सबसे बड़ी मानव रचित त्रासदी थी। दूसरे विश्व युद्ध में सैनिकों समेत कुल 7.3 करोड़ लोग मारे गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आविष्कार पहले विश्व युद्ध के दौरान ही हुए थे। माफ़ कीजिएगा, आज के दिन ही यानी 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था। दोस्तों आपको अगली और बड़ी खबर बता दें कि महिला टी20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को 60 रनों से हराया। जी हाँ दोस्तों, डॉटिन टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने और 5 विकेट लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बनी। यहाँ दोस्तों तेज गेंदबाज डिंड्रा डॉटी ने मैच में 5 रन देकर 5 विकेट झटके। इसी के साथ वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 60 रनों से हराया। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारत 2 साल से पाकिस्तान से नहीं हारा है और आज मुकाबला है, प्रसारण रात 8:30 बजे से होगा। यहाँ दोस्तों भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मुकाबले रविवार को पाकिस्तान से भिड़ेगी। पिछले 2 साल से टीम इंडिया पाक से नहीं हारी है और लगातार 3 मुकाबले जीते हैं। पाक ने अंतिम बार भारत को 2016 वर्ल्ड कप में हराया था। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए टी20 10 टी20 मुकाबले में 8 भारत ने जीते हैं, जबकि पाक टीम 2 बार जीतने में सफल रही है। भारत ने पहले मैच में मजबूत मानी जा रही न्यूजीलैंड टीम को हराकर शानदार शुरुआत की। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया। ओपनर तानिया भाटिया और स्मृति मंधाना पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। पाक के खिलाफ टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगी। दोस्तों आपको अगली और बड़ी खबर बता दें कि बंगाल वॉरियर्स पर भारी पड़े पटना के पायरेट्स, 50-30 से जीते। जहां दोस्तों स्टार रेडर दीपक नरवाल और प्रदीप नरवाल के तूफानी खेल की बदौलत गत 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स ने अपनी लय में लौटते हुए बंगाल वॉरियर्स को प्रो कबड्डी लीग के मुकाबले में शनिवार को 50-30 के बड़े अंतर से पीट दिया। पटना ने पहले हाफ में 22-14 की बढ़त को दूसरे हाफ में और मजबूत किया। पटना की 11 मैचों में 5वीं जीत है। वह 28 अंकों के साथ जोन बी की तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। दोस्तों आपको अगली और बड़ी खबर बता दें कि भाजपा और अन्य
दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के बीच शनिवार को कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई। कड़ी सुरक्षा के तहत कई जिलों में धारा 144 भी लागू थी। विरोध प्रदर्शन करने पर भाजपा के 3 विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए। विवाद से बचने के लिए मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर टीपू जयंती के कार्यक्रम से दूर रहे। कुमारस्वामी डॉक्टर की सलाह पर 11 नवंबर तक आराम करने का हवाला देकर आयोजन से दूर रहे। निमंत्रण पत्रों पर भी उनका नाम नहीं था। उप मुख्यमंत्री भी परमेश्वर को विधानसभा में मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करना था, लेकिन उनके शहर से बाहर होने की बात कही गई थी। ऐसे मुख्य कार्यक्रम फीका रहा। मुख्यमंत्री के टीपू जयंती से दूर रहने की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगियों जेडीएस और कांग्रेस के बीच तकरार की भी चर्चाएं हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि करीब पुलिस सुरक्षा में मनी जयंती। जी हाँ दोस्तों, कोडागू में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं विराजपेट से भाजपा विधायक केजी बोपैया को विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार कर लिया गया। विधान परिषद सदस्य सुनील सुब्रमण्यम को काले झंडे दिखाने पर मदिकेरी से पकड़ा गया। यहीं से विधायक अपाचू रंजन को भी गिरफ्तार किया गया। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि जोर्डन में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गए हैं। 11 लोगों की मौत और 15 दिन पहले भी यहां आई थी बाढ़। यहां दोस्तों जोर्डन में 15 दिन में दूसरी बार भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ के कारण शनिवार को 11 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने निचले इलाके में रह रहे लोगों को आदेश दिया कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। शनिवार दोपहर तक भारी बारिश जारी रही। बीते महीने भी बाढ़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि गुआना के राजधानी जॉर्जटाउन के एयरपोर्ट पर विमान फिसला, 7 जख्मी, 126 यात्री थे सवार। जी हाँ दोस्तों, गुआना की राजधानी जॉर्जटाउन में एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक बोइंग जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे 6 यात्री घायल हो गए। यात्री के वक्त विमान में कुल 126 यात्री सवार थे। टोरंटो जाने वाले विमान की हाइड्रोक्लोरिक प्रणाली में उड़ान भरने से गड़बड़ी पता लगी। इसके बाद विमान एयरपोर्ट पर लौट आया पर लैंडिंग में फिसल गया। दोस्तों आज के दिन के इतिहास की बात करें तो 343 साल पहले गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने थे। उन्होंने खालसा पंथ भी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, 1675 आज ही ईस्वी में आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने थे। उन्होंने ये पदवी पिता गुरु तेग बहादुर के निधन के बाद मिली थी। वे एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। दोस्तों आज की अंतिम और रोमांचक खबर आपको बता दें कि चीन में 984 फीट ऊंचे कांच के ब्रिज पर सब्जी बाजार लगा। जी हाँ दोस्तों, चीन में हुनान प्रांत के 984 फीट ऊंचे स्काई ग्लास ब्रिज पर अब सब्जी बाजार लगने लगा है। स्थानीय लोगों को आकर्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार की इस पहल पर शुक्रवार को पहले दिन पास के ग्रामीणों ने सब्जियां बेची। लोगों का कहना था कि इससे उन्हें रोजगार भी मिल सकेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज़ वीडियो। ऐसे ही न्यूज़ वीडियो को रोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अलविदा।